भाई क्लास 9 में फिजिक्स में हम लोग है विज्ञान और मापन में ही है, आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, समझ रहा है। पार्ट 7 है वीडियो मेरा, 7वां नंबर का वीडियो है, छोटा छोटा ही मतलब हम क्लास कर रहे हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रक के बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें क्षेत्रफल के मात्रक कैसे लिखते हैं, तो क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं कि लंबाई गुणे के चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का लिखना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का भी होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। घनत्व का लिखना है तो द्रव्यमान बटा क्या आयतन, द्रव्यमान हो गया का मात्रक है के जी, आयतन का मीटर क्यूब, के जी मीटर पर पावर माइनस 3 ऊपर चल जाता है। तो दाब का बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर माइनस 2, ठीक है। दाब को पास्कल भी होता है, इसे मतलब ब्लेज पास्कल के महोदय के सम्मान में 1 पास्कल बराबर 1 PA या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ऊर्जा और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल। सीजीएस पत्ती में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी होता है, सीजीएस पत्ती में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी या 4200 जूल या 4.2 किलो जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.16 जूल या नियरली हम 4.2 जूल कह सकते हैं। तापमान के पैमाना, तापमान के क्या क्या पैमाना है, ऐसा चार्ट मैंने इस पैमाना के बारे में बताया है। एक रोमर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 केल्विन होता है, और 1 फारेनहाइट होता है। आर से डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट ऐसे व्यक्त करते हैं। इसके लिए चारों के लिए एक सूत्र लिख दिया हूं मैं, R-0/81 बराबर C-0/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। अब चारों में से किसी को बदलने के लिए कहेगा, वो दो को उठा लेना है, समझा रहा है। एक को पूछ देगा, हाला नहीं करो जी बाबू, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फारेनहाइट, ये दोनों ऐसी माप है जो आपस में बराबर होता है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में कौन ऐसी माप है जो दोनों में बराबर होता है, तो याद रखना है -40 वाला। अब मान लीजिए कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में किसी ने बदलने के लिए कह दिया, आप यहाँ से डिग्री सेल्सियस वाला उठा लीजिएगा, फारेनहाइट वाला उठा लीजिएगा, उठा लिए और 1 0 से 0 नीचे कट गया। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में आपको 25 बिठाना था, 25 - 0 बराबर तो 25 ही होगा, 25/10 बिठा दिए, 1 - 32/18 बिठा दिए। अब इसको काट दिए, ये देखो 2 5 के 10 काट दिए और 50 25 काट दिए, 2 9 18 नीचे नीचे बराबर से कटता है, 9 5 के 45 गुना हो गया और 32 अकेले जुट गया आरा बस में। तो यहाँ पर हो गया आपका ये जो 75 हो गया, आपका 25 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए कह दिया तो 77 फारेनहाइट, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, तो सेल्सियस और केल्विन को एक जगह उठाएंगे, सेल्सियस और केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस 50 को यहाँ बिठा दिए, 50 - 0 50 50 100 और केल्विन K-273/100 कट जाएगा और ये -273 जाकर जुट जाएगा, तो केल्विन में हो जाएगा 323 केल्विन। कोई भी किसी को बदल लेगा, रोमर से मान लेंगे फारेनहाइट में कहेगा तो रोमर और फारेनहाइट को उठा लेना है ना, और उसको फिर बैठा के जन दिल रहेगा, उसको निकाल देना जो नहीं दिल रहेगा। इस तरह से इसको ये चैप्टर मतलब अंत हो गया, क्वेश्चन उत्तर खाली।